नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, जरूरत पड़ने पर फिर कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने भी किया रावत का समर्थन। सुषमा स्वराज ने आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को घेरा तो परेशान हुआ चीन, विदेश मंत्री को बताया अभिमानी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अफगानिस्तान में सैनिक नहीं भेजेगा भारत। जामनगर में राहुल गांधी ने कहा दिल्ली के रिमोट से चलती है गुजरात की सरकार, नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत ने अदालत में याचिका दायर कर जान को खतरा बताया। कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी मार गिराया। केंद्र सरकार ने 5G सेवा के लिए समिति गठित की, 2020 तक चालू करने का लक्ष्य। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नवंबर दिसंबर के बीच नौसेना में होगी शामिल। सचिन तेंदुलकर ने बांद्रा में की सफाई, लोगों से की शहर को साफ रखने की अपील। इराक में 42 आतंकवादियों को फांसी पर लटकाया, नशीरिया में आत्मघाती हमले में ठहराए गए थे दोषी। उत्तर कोरिया ने कहा अमेरिका ने किया जंग का ऐलान, अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा उत्तर कोरिया। ICC के नए नियम 28 सितंबर से लागू होंगे, अनुचित व्यवहार करने वाले खिलाड़ी होंगे मैदान से बाहर, बल्ले के आकार में भी हो सकता है बदलाव। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।